गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ एक्सरसाइज 4.1 है। चैप्टर का नाम है वैदिक गणित। इसमें फर्स्ट अपने पास में आता है परम मित्र अंक। परम मित्र अंक किसे कहते हैं? पूरक अंक पहले पढ़ा हुआ है हमने, तो परम मित्र और पूरक अंक एक ही है। जे दो अंकों का योग 10 होता है वे परस्पर एक दूसरे के पूरक अंक या परम मित्र अंक कहलाते हैं। जैसे हमने निकाला 6 का परम मित्र या पूरक अंक अपने को निकालना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, 10 में से 6 अपन माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। तो 6 का परम मित्र अंक कितना हुआ 4। अगर 7 का निकालना है तो 10 माइनस 7 बराबर कितना आएगा 3। अगर अपने को 8 का निकालना है तो 10 माइनस 8 बराबर कितना हुआ 2। इन दोनों अंकों का योग 10 हो जाएगा तो 6 प्लस 4 बराबर कितना हुआ 10। अगर इस 7 में 3 जोड़ देते हैं तो 7 प्लस 3 बराबर कितना हुआ 10। और अगर 8 का परम मित्र अंक हमने निकाला तो 8 प्लस 2 बराबर कितना हुआ 10। तो जिन दो अंकों का योग 10 होता है वे एक दूसरे के परम मित्र या पूरक अंक कहलाते हैं। अब क्या करना है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन फर्स्ट है। इसमें दे रखा है सूत्र 1 में मूवमेंट तथा परम मित्र अंक की सहायता से क्या निकालना है, इनका घटाव करना है। सूत्र देखिए, परम मित्र अंक अपन पढ़ लिया, अब आता है न्यूमेरेटर, पूर्वेट और न्यूमेरेटर, यानी कि जो ये दिया हुआ है अपने को 6, इसका पूर्वेट 6, तो इसका एक न्यूमेरेटर क्या होगा 1 न्यूमेरेटर, से का न्यूमेरेटर मतलब 6 का एक न्यूमेरेटर होता है 5। तो इसके लिए इंडिकेशन में अपन क्या करते हैं, 6 के नीचे एक लूप लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि इसका एक न्यूमेरेटर करना है। अगर एक आधी के कहेंगे वो कहेगा एक अधिक अंक निकालिए तो ऊपर लौट लगेंगे, और न्यून कहेगा तो लौट लगाएंगे नीचे। इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 82 में से अपने को 54 माइनस करना है। तो अपन जानते हैं कि 2 में से 4 माइनस नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इस 4 का परम मित्र अंक अपन निकालेंगे। तो 4 का परम मित्र अंक निकालने के लिए पहला स्टेप इसमें 4 का परम मित्र अंक, मित्र अंक, तो 10 माइनस 4 बराबर कितना होगा 6। अब इसका सेकेंड स्टेप होगा, क्या करेंगे, इस 2 में अपन जोड़ देते हैं 6, तो बराबर कितना आएगा 8। तो फर्स्ट अंक इसका क्या हो गया 8। आगे क्या करते हैं, ये इसमें से तो इसको अपन ने माइनस किया तो 8 बचा। अब 2 के पूर्वेट 8 का एक न्यूनेम निकालेंगे, तो 8 का न्यून होता है 7, एक न्यून करना है, न्यून का मतलब एक माइनस करना है। तो यहां पर लिखते हैं 2 के पूर्वेट, 2 के पूर्वे 8 का एक न्यूनेम, ये हो जाएगा 8 = 7। और अगला चौथा अंक होगा, यानी कि इसको एक न्यून किया है तो हो गया 7, और 7 में से अपने 5 माइनस किया तो क्या आया 2, तो यहां पर क्या होगा 2। अगला नेक्स्ट अंक है सवाल, इसमें क्वेश्चन 2 ये दिया हुआ है, इसी तरीके से करके चाहे अंक 4 का हो 5 का हो। सेकंड में क्वेश्चन 1, क्या 6 में से 4 माइनस हो रहा है, जब हो रहा होता है तब तो परम मित्र अंक नहीं निकालेंगे, जब नहीं होगा तो परम मित्र अंक जैसे यहां पर निकाला है वैसे ही निकालेंगे। 6 में से 4 माइनस हो रहा है तो 2 बचा। आगे क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में, सॉरी इसमें क्वेश्चन दिया है अपने को 8। अब क्या करते हैं, अगला देखिए इसमें है 66 माइनस 48 करिए, तो क्या 6 में से 8 माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में 8 का परम मित्र अंक निकालेंगे, परम मित्र अंक 10 माइनस क्या हुआ 8 बराबर कितना हुआ 2। सेकेंड स्टेप में आएगा अपना 6 में से 2 प्लस करेंगे कितना आएगा 8। अब 6 के पूर्व में 6 का एक न्यूमेरेटर करेंगे, तीसरे स्टेप में करेंगे 6 के पूर्व में 6 का एक न्यूमेरेटर, तो 6 बराबर किसके हो गया 5 के। अगले फोर्थ स्टेप में 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, तो यहां पर तो अपने पास में आया 8 और यहां पर आएगा 1। अगला क्वेश्चन है थर्ड,
इसमें दिया है 74 माइनस 69, तो क्या 4 में से 9 माइनस होता है? 4 में से 9 माइनस नहीं होता है, तो पहले क्या निकालते हैं, 9 का परमित्र अंक, 9 का परमित्र अंक, 9 का परमित्र अंक होगा 10 माइनस 9 बराबर कितना आएगा 1। आगे सेकंड स्टेप में करेंगे, 4 में अपन जो होते हैं 1 को कितना आता है 5। अगला 4 के पूर्व में थर्ड स्टेप में 4 के पूर्व में 7 का 1 न्यूमेर, तो 7 बराबर किसके हो गया 6 के। और फोर्थ स्टेप में करेंगे 6 में से 6 का माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। देखिए 4 में से 9 माइनस नहीं होता है, इसलिए इसका परमित्र अंक निकाला कितना है 1। आगे 4 में अपन ने जोड़ा 1 तो प्लस बराबर कितना है 5। आगे 4 के पूर्व में 7 का 1 गुण निकाला तो 7 बराबर किसके होगा 6 के। अगला है 6 में से 6 माइनस, क्योंकि इसकी जगह यहां पर क्या है न्यू 6 हो गया, 6 में से 6 माइनस किया कितना है 0, तो यहां पर तो है 5 और यहां पर कितना हुआ 0। अगला फोर्थ क्वेश्चन जो दिया है 3 डिजिट का है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यही प्रोसेस करेंगे, इसकी को यहां पर देखिए, क्या 2 में से 3 माइनस होता है? नहीं, तो इसके लिए 3 का निकालते हैं परमित्र अंक, 3 का परमित्र अंक, तो 10 माइनस 3 बराबर कितना हुआ 7। सेकेंड स्टेप में करेंगे अपन, इस 7 में अपन क्या जोड़ देते हैं 2, तो बराबर कितना आएगा 9, तो पहला अंक माइनस करने पर क्या है इसका 9। आगे 2 के पूर्व में 4 का 1 न्यूमेर करते हैं, यहां पर लिखते हैं 2 के पूर्व में 4 का 1 न्यूमेर, दिया जाएगा 4 बराबर किसके हो जाएगा 3 के। आगे 3 में से 4 माइनस नहीं होता है, इसके लिए अपन क्या करते हैं 4 का निकालते हैं परमित्र अंक, 4 का परमित्र अंक, दिया जाएगा 10 माइनस 4 बराबर किसके 6 के। फिफ्थ स्टेप में इस 3 में या 6 में अपन जोड़ देते हैं 3, तो बराबर कितना आता है 9। आगे 4 के पूर्व में 3 का 1 में पुनः करेंगे, तो इसके लिए यहां पर 6 स्टेप में अपन करते हैं, 4 के पूर्व में 3 का 1 में देखिए, इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ये न्यून हो चुका है, तो अपन अगर मिस नहीं होता है, गलती नहीं होती है, तो 3 बोलेंगे, और अगर आपने को ये लगता है कि गलत हो सकता है तो इसको 4 ही बोलेंगे, 4 के पूर्व में 3 का 1 न्यून है, तो 3 बराबर किसके हो गया 2 के। फिर 7 स्टेप में आएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, तो क्या बचा, अगर इसको सिंपल में अपन देखते हैं तो माइनस करके देख लीजिए, 12 में से 3 गया कितना बचा 9, 13 में से 4 गया 2, 9 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, राइट है, ठीक है।